देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कई देशों की यात्रा करके लौट रहे हैं और कई बड़ी कंपनियों के साथ में उन्होंने एमओयू किया है। वो समाचार पत्रों में भी लगातार आ रहा है और आपके चैनल्स पर भी लगातार प्रसारित हो रहे हैं। इससे आम नागरिक युवा उत्साहित है। वैसे तो हमने अभी लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए कैलेंडर भी जारी किया है और बाहर से भी मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए वो सकारात्मक प्रयास है, बहुत अच्छी संकेत है। तो जनता में उत्साह है, तो जनता उनका अभिनंदन करना चाहती है। जब जनता अभिनंदन करना चाहती है तो जनता कार्यालय पे आएगी, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। कार्यालय में आने की एक परंपरा भी है कि जब कभी भी मुख्यमंत्री जी बाहर जाते हैं और लौट के आते हैं तो कार्यालय पर एक बार वो यहाँ गणेश जी के दर्शन करते हैं, तो वो कार्यालय में आएंगे ही आएंगे। तो फिर जब लोगों में उत्साह है और लोग आएंगे तो फिर हमें उन्हें बिठाने की व्यवस्था तो हमको करनी चाहिए, इसलिए हमने उनके लिए व्यवस्था करी है। चुनाव का ऐलान हो चुका है, 7 सीटों पे उपचुनाव है, बीजेपी की क्या तैयारियां है? क्योंकि आज जो आदिवासी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, उन्होंने 1984 में अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, बीजेपी की क्या तैयारी? देखिये, उन्होंने कर दी है, वो करें, वो उनकी पार्टी है, वो उनको करना है। हमें अपनी पार्टी की व्यवस्था करनी है, हमारा घर हमको देखना है। इसलिए उन्होंने कर दिया कि किसने कर दिया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी तैयारी के साथ, हमने हमारी जो भी समीक्षा करनी थी, समीक्षा करने के बाद में राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमसे जो राय ली, पूछा गया एक जो हमसे, वो हमने दे दिया। अब जो ही नेतृत्व उस पर अपने सर्वे के आधार पर, क्योंकि सर्वे हम भी कराते हैं वो भी कराते हैं, सब मिक्स करने के बाद में जो भी सर्वे के आधार पर उनका निचोड़ निकलेगा, निर्णय होगा, वो घोषित करेंगे। हम तैयारी, हमारी तैयारी पूरी है। हमारा देखिए बूथ मैनेजमेंट तगड़ा है, हमारा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति वगैरह हमने सब की हुई है, हमारा संगठन सुदृढ़ है। और फिर राजस्थान और केंद्र सरकार के जो बजट की घोषणाएं हैं वो हम जनता के सामने रख रहे हैं और जनता हम पर विश्वास व्यक्त कर रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। अंजन जी, हरियाणा चुनाव का परिणाम सबके सामने है, बीजेपी के पक्ष में गया, तमाम सर्वे फेल हुए वहां पर एजेंसियों के, क्या उसका असर इन 7 सीटों पर, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा अड़ोस पड़ोस का प्रदेश है, उस पर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से होता ही है, संगठन तो एक है। और हरियाणा के बारे में सर्वे सारा नेगेटिव दे रहा था, लेकिन हमें विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं को भरोसा था और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। जम्मू कश्मीर में भी हम निराश नहीं है, हमें अच्छे वोट मिले और सभी पार्टियों के वोटों की गिनती के बावजूद उन सबसे अधिक, सब पार्टियां एक तरफ भाजपा एक तरफ, उसमें भाजपा को अधिक वोट मिले, इन्हें सबका जोड़ने के बाद भी हमने ज्यादा वोट प्राप्त किए, तो ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, ये अच्छी बात है। तो असर तो होता ही होता है, निश्चित रूप से होगा। हरियाणा से हमारा कार्यकर्ता उत्साहित तो है, वैसे काम हमने किया है। क्या दावा है आपका? हम 7 जीतेंगे। क्या जो प्रत्याशियों का सर्वे आपने करके पैनल बनाकर भेजा है, उम्मीद करें अगले 1-2 दिन में घोषित हो जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है, अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए, तो हम भी, हमारा कार्यकर्ता भी उसी हिसाब से उसके साथ लगे। एक लास्ट सवाल है, ध्यान दिया है चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उसको लेकर सवाल खड़े करे हैं। अशोक गहलोत काफी सीनियर लीडर है कांग्रेस के, क्या कहना है? शायद वो सोचते थे कि उनसे पूछ के तारीख घोषित करें, ये ठीक बात नहीं है, उनको ये ऐसी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग स्वतंत्र है हिंदुस्तान में और वो अपना निर्णय खुद करते हैं, कोई अशोक जी गहलोत साहब से पूछ के करें, ये तो मुझे तो नहीं लगता है कि उनसे पूछना चाहिए था।